हेलो एवरीवन, ये वाली वीडियो में भी हम चैप्टर वन पिजन्स एट डे ब्रेक को कंटिन्यू करेंगे. वी हैड फिनिश टिल पेज टू. नाउ लेट्स बिगिन विद पेज थ्री. एंड प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जो ओती मैं उनकी मिस्टर बासु की वाइफ, वो उनको न्यूज़पेपर रीड करके बता रही थी. नाउ हस्बैंड हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ. सी क्राइड एक्साइटेडली. नाउ शी वॉज रीडिंग न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड दोज वर वेरी, वो जो है मिस्टर बासु के काम की न्यूज़ नहीं थी. दैट वॉज ऑल जो कि उनकी वाइफ को इंटरेस्टिंग लग रहा था बट उनको नहीं लग रहा था. तो अनदर उन्होंने न्यूज़ पढ़ के दिखाई उनको कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया. तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दीज थिंग्स. वंस मोर, एक बार फिर. हाउ ऑफन डज दिस हैपन, ये कितनी जल्दी होता रहता है ये सब. हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ पोरिंग केरोसिन ऑन कांता बाईस क्लोथ्स एंड सेटिंग हर ऑन फायर वाइल शी स्लेप. नाउ शी सेइंग कि जो जो बहू होती है, जो वाइफ होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी होती है, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ के द्वारा. तो इस न्यूज़ में भी ये लिखा हुआ था कि उन्होंने केरोसिन डाल दिया उनके उस लेडी के ऊपर. ठीक है. येस, दैट इज़ हाउ दे ऑलवेज डू इट. तो वो क्या है, ऐसा ही लोग हमेशा करते हैं. वाई, क्यों? प्रोबेबली दी डोरी डजेंट सेटिस्फाई देम, दे मस्ट हैव होप टू गेट वन मोर. तो डोरी मीन्स दहेज जो बोलते हैं. तो शी सेइंग कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो लोग होते हैं दे डोंट गेट सेटिस्फाइड इजीली, वो इतनी जल्दी नहीं मानते, उनको और लालच आता है कि और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो ऐसा करते हैं. ही groaned and sank back in his chair. तो इन सब चीज़ों को सुन के क्या है, उनके हस्बैंड मिस्टर बासु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है. ग्रोन मीन्स ही इज़ वेरी एंग्री. एंड सैंक बैक इन हिज चेयर, तो वापस से अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं. ही न्यू देयर वॉज नो स्टॉपिंग हर नाउ. तो उनको पता है कि अब उनकी वाइफ एक बार शुरू हो गई है तो उनको चुप कराने वाला कोई नहीं है. शी वॉन्ट स्टॉप एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज ऑफ ग्रोटेस्क्यू बर्थ्स लाइक दोज ऑफ टू हेडेड चिल्ड्रन और फाइव लेग्ड काव्स. There was nothing she loved as dearly as tales of murder and atrocity. यहाँ पे grotesque means कुछ चीज़ जो बहुत ही strange होती है, बहुत ही bizarre होती है, उसको हम कहते हैं. तो ऐसी कोई कहानी है जिसमें कि जैसे दो सिर वाले बच्चे या फिर पांच legs वाला calf, means जो baby होता है एक cow का, उसको हम calf कहते हैं. तो ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद थी और इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के शायद वो रुक सकती है. Otherwise nothing can stop her. Now tales of murder and atrocity मतलब cruelty, बहुत ज़्यादा क्रूरता होते हैं, दैट इज़ एट्रोसिटी. तो ऐसी ऐसी स्टोरीज उनकी वाइफ को पसंद थी. एंड शॉर्ट ऑफ हिज हैविंग अ स्ट्रोक और दी फिश सेलर अराइविंग एट दी डोर. तो शॉर्ट ऑफ हिज हैविंग अ स्ट्रोक मतलब जब मिस्टर बासु को कोई दौरा पड़ता है या फिर अगर कोई मछली बेचने वाला आ जाता है तभी वो रुक सकती है. नथिंग कुड डिस्ट्रैक्ट हर नाउ. तो अब उनको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था. डिस्ट्रैक्ट मीन्स उन सब न्यूज़ से उनका कोई ध्यान नहीं हटा सकता है अब, सिवाय इन चीज़ों के. ही इवन हीव्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज चेयर एंड शफल्ड ऑफ टू द अदर एंड ऑफ द बैल्कनी टू फीड द पैरट इन इट्स केज अ ग्रीन चिली और टू विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग हिज डिपार्चर. तो जब वो न्यूज़ पढ़ने में इतना खो गई होती है उनकी वाइफ, तो वो अपनी चेयर से उठते हैं और जो बैल्कनी में पैरट होता है उनके पास, उसको वो ग्रीन चिली लाल हरी मिर्ची खिलाने के लिए चले जाते हैं. उनकी वाइफ इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करती है. But when she had read to the end of that fascinating item, she ran into another that she read on in a voice like a lawmaker's, and he heard it without wishing to. Electricity will be switched off as urgent repairs to power lines must be made in Daryaganj and Kashmir Gate area from 8 p.m. to 6 a.m. on the 21st of May. तो जब उन्होंने वो न्यूज़ आइटम पढ़ लिया होता है तो शी कुछ और पढ़ने लग जाती हैं. तो जो नेक्स्ट वो पढ़ती है तो इन अ लॉ मेकर्स वॉइस मतलब इन अ वेरी सीरियस वॉइस, तो वो बताती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिजली जो है, उस टाइम पे पावर कट होने वाला है बिकॉज ऑफ सम रिपेयर वर्क. और ये जो दरियागंज एंड कश्मीर गेट एरिया फ्रॉम 8 p.m. to 6 a.m. माई गॉड दैट इज़ टुडे. तो वो कहती है ये वाला दिन तो आज ही है, 21st of May, इट इज़ टुडे. तो आज ही आपका पावर कट होने वाला है. टुडे टू नाइट नो इलेक्ट्रिसिटी ही कोट. तो मिस्टर बासु डर जाते हैं तो कहते हैं कि क्या आज रात को लाइट कटने वाली है. लेटिंग द ग्रीन चिली फॉल ऑफ द फ्लोर ऑफ द केज वेयर द अदर ऑफर्ड एंड रिफ्यूज्ड चिलीज ले इन अ रोटिंग हीप. तो वो इस चीज़ से इतना घबरा जाते हैं कि उनके हाथ से वो मिर्ची जो खिला रहे होते हैं पैरट को, तोते को, वो उनके हाथ से गिर जाती है. हाउ विल आई स्लीप देन. तो उनको चिंता होती है कि वो अब रात को सोएंगे कैसे. ही गैस्प फियरली. गैस फियरली मतलब उनको अस्थमा होता है तो ही वॉजेंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली विदाउट अ फैन. तो बिना फैन के कैसे सोएंगे. इन दिस हीट
and already his diaphragm seemed to cave in, his chest to rise and fall as he panted for breath. Panted for breath मतलब सांस लेने के लिए वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे. Panted for breath means he was not able to breathe properly. Clutching his throat, he groped his way back to the cane chair. Otima, Otima, I can't breathe, he moaned. अब ये बात सुन के मिस्टर बासु इतना डर जाते हैं कि रात को इतनी गर्मी होगी और उस हीट में वो कैसे सोएंगे. तो वो वापस जाके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और अपनी वाइफ को बुलाते हैं. टू मॉन मीन्स टू क्राई, तो वो इतना बुरा लगता है उनको ये न्यूज़ सुन के. शी पुट द पेपर्स अवे एंड रोज विद अ साई ऑफ इरिटेशन एंड एंग्जाइटी. द काइंड अ सिकली चाइल्ड अराउजेज इन इट्स टायर्ड मदर. नाउ जो ओतिमा उनकी वाइफ है, पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बुलाते हैं उनको, तो हर काम वही करती है उनका. तो दिस टाइम अगेन वो उनको बालकनी में जाके फिर से बुलाने लग जाते हैं. तो शी गॉट इरिटेटेड, पहले न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बुला, फिर कोई और काम बोलते हैं, अब वापस से बुला रहे हैं. तो शी वॉज इरिटेटेड एंड एंग्जाइटी मतलब वो थोड़ी चिंतित भी होती है कि कोई बात भी हो सकती है ना. एंड शी अराउज लाइक काइंड अ सिकली चाइल्ड अराउज इन इट्स टायर्ड मदर. जैसे कोई बच्चा है अपनी मम्मी को नहीं छोड़ना चाहता है, तो वैसे ही जो ओतिमा थी वो न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना बिजी थी कि वो वहाँ से उठना ही नहीं चाह रही थी. दैट काइंड ऑफ सेपरेशन यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है. शी हर्सेल्फ एट 56 हैड नॉट अ रिंकल ऑन हर ऑयल्ड फेस, स्केर्सली अ ग्रे हेयर ऑन हर हेड. तो उनकी एज क्या है, 56 है उनकी वाइफ की, बट उनके फेस पे कोई रिंकल नहीं है अभी तक भी, बिकॉज उनका फेस जो है बहुत ऑयली है. स्केर्सली अ ग्रे हेयर ऑन हेड, और उनके बाल भी जो है अभी तक सफ़ेद नहीं हुए. स्केर्सली मतलब बिल्कुल भी नहीं, हार्डली एनी. एज स्मूद एज बटर, एज राउंड एज अ केक, लाइफ माइट स्टिल हैव बीन डिलेक्टेबल टू हर इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द अस्थमा दैट एफ्लिक्टेड हर हस्बैंड एंड मेड हिम सीम एट 61 ऑलमोस्ट डिक्रिप्ट. तो इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स है जिनका कि मुझे पहले मीनिंग बता देना चाहिए. जैसे कि डिलेक्टेबल इट मीन्स डिलाइटफुल, एफ्लिक्टेड मतलब किसी चीज़ से ग्रस्त होना, एंड डिक्रिप्ट मतलब वॉर्न आउट, जो बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं. सो जो ओतिमा थी शी वॉज एज स्मूथ एज बटर, तो शी वॉज इन अ वेरी गुड कंडीशन, उनकी हालत मिस्टर बासु के जितनी ख़राब नहीं थी. तो शी सेइंग उनकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी होती अगर उनके हस्बैंड अस्थमा से ग्रस्त नहीं होते तो. और उनकी बीमारी की वजह से क्या है, वो 56 के हैं बट वो जो है मिस्टर बासु वो कितने के लगते हैं, 61 के लगते हैं. तो मीडियम सी मतलब उनकी जो हस्बैंड है उनकी एज क्या है, 61 है और उनकी 56 है. फिर भी दोनों में इतनी कॉन्ट्रास्ट है कि वो अच्छी खासी है बट उनके हस्बैंड जो है वो बीमार है, और जिसकी वजह से वो क्या है ऑलमोस्ट वॉर्न आउट है, मतलब बिल्कुल ही वीक हो चुके हैं मरने की हालत में. इज एक्चुअली 61, और वो उनको अपने साथ कंपेयर कर रही है कि 56 की होके वो इतनी हेल्दी है बट उनके हस्बैंड जो जस्ट 61 है, 2-3-4 साल ही बड़े, फिर भी वो बुरी हालत में है. I'll bring you your inhaler. Don't get worried. Just don't get worried. तो she's saying उनका वो inhaler लेके आएंगे because वो breathe नहीं कर पा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं. तो she's asking him not to worry. She told him and bustled off to find his inhaler and cortisone. तो वो जल्दी जाके ये दवाइयाँ होंगी maybe inhaler और cortisone उनके लिए लेने चल जाती है. When she held them out to him, he lowered his head into the inhaler like a dying man at the one straw left. Now you see, लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट होती है एक अस्थमा पेशेंट के लिए, तो बिकॉज वो सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है, तो जैसे वो उनका इनहेलर लेके आती है वो जल्दी से उसको यूज़ करते हैं. ही ग्रास्प इट विथ फ्रेंटिक हैंड्स, फ्रेंटिक मतलब बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं, तो दैट इज फ्रेंटिक, और वी कैन से बहुत ही जल्दबाजी में उसको पकड़ते हैं. ऑलमोस्ट क्लॉइंग है, तो मतलब क्लॉइंग है मतलब एकदम से पकड़ते हैं ना. शी शुक हर हेड वॉचिंग हिम, तो वो बस उनको खड़े होकर देखती रहती है. Why do you let yourself get so upset? तो पूछती है कि जब आप अपने आप को इतना परेशान करते ही क्यों. Cursing herself for having read out that particular piece of news to him. तो वो अपने आप को ये दोष देने लग जाती है कि मुझे उनको ये न्यूज़ पढ़ के नहीं सुनानी चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी वाली. It won't be so bad. Many people in the city sleep without electric fans. Most do, will manage. तो उनको कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग ऐसा है इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते, और भी लोग हैं दुनिया में जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं, तो हम भी मैनेज कर लेंगे. यूल मैनेज, ही स्पैट एट हर बट आई. तो कहते हैं, तो मिस्टर बासु इस बात पे भी चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि आप अस्थमा का पेशेंट नहीं हो तो आप मैनेज कर लोगे, बट मेरा क्या. देयर वॉज नो सूदिंग फॉर हिम नाउ. तो अब उनको कोई भी चीज़ शांत नहीं कर सकती थी.
She knew how rapidly he would advance from imagined breathlessness into the first frightening stage of a full brown attack of asthma. Now, since Mr. Basu को पता चल गया कि अब light नहीं आने वाली, तो वो इतने डर जाते हैं उस चीज से कि अब उनको कोई चीज शांत नहीं कर सकती. और उनको पता है, वो खुद ही इमेजिनेशन इतना बना बना के पहले तो सोचेंगे कि उनको सांस ही नहीं आ रहा है, उसके बाद में वो इतना ज्यादा डर जाएंगे कि उनको अस्थमा का अटैक ही पड़ सकता है. His chest already heaving, he imagined there was no oxygen left for him to breathe, that his lungs had collapsed and could not take in any air. तो अब वो ये पता चल जाने के बाद कि लाइट नहीं आ रही है, तो क्या उनके उनको वो फ्राइटनिंग, वो अंदर से घबराहट शुरू हो जाती है उनकी. चेस्ट इट वॉज हीविंग, मतलब ही वॉज ब्रीदिंग डीपली. ही इमेजिन, उनको लगा कि भाई ऑक्सीजन जो है एयर में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और उनके जो लंग्स हैं वो कलेप्स कर गए, वो ख़राब हो गए और वो सांस नहीं ले पाएंगे. ही कुड नॉट टेक इन एयर. ही स्टेयर्ड अप एट द स्ट्रिंग्स ऑफ वॉशिंग दैट हंग फ्रॉम एंड टू एंड इन द बैल्कनी, द ओवरफ्लो ऑफ फर्नीचर दैट क्लस्टर्ड इट, the listless parrot in its cage, the view of all other crowded washing hung balconies up and down the length of the road, and felt there was no oxygen left in the air. तो जैसे सिटी में लोग रहते हैं फ्लैट्स के अंदर, तो बाकी अपनी बैल्कनी को देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए होते हैं, सूखे होते हैं. ऐसी जो बाकी बैल्कनीज होती है उसमें भी कुछ सिमिलर ही सीन होता है. पैरट को भी वो नहीं देख पा रहे हैं, फर्नीचर को भी ऐसा पड़ा हुआ क्लस्टर्ड मान रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ ही इज़ सीइंग थिंग्स नाउ, बिकॉज वो अंदर से इतना ज़्यादा फ्राइटन हो चुके हैं. स्टे आउट हेयर ऑन द बैल्कनी, इट्स लिटिल कूलर देन इनसाइड, हिज वाइफ सेड कामली एंड लेफ्ट हिम टू गो अबाउट वर्क. तो उनकी वाइफ कहती है कि आप बैल्कनी में बैठो, वहाँ पे थोड़ी ठंडक है तो वहाँ पे आपको चलेगा. तो उनको वहाँ पे छोड़ के वो अपना काम करने के लिए चली जाती है. बट शी डिड इट एब्सेंटली, तो वो मतलब ध्यान से नहीं देखते हैं कि मतलब उनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो बिना देखे चली जाती है. नॉर्मली शी वुड हैव रिलिश्ड बार्गेनिंग विद द फिश सेलर हु कम्स टू द डोर विद अ बैक्टी, सम विस्कर्ड ब्लैक रिवर फिश एंड अ लिटल स्क्विमिंग हिल ऑफ पेल पिंक प्रॉन्स इन हिज फ्लैट बास्केट. तो नॉर्मली उनकी वाइफ को क्या पसंद था, बार्गेनिंग करना फिश सेलर के साथ में. दीज आर ऑल वेराइटी ऑफ फिश जो कि वो खरीदती होंगी. But today she made her purchases and paid him off rather quickly. She was in a hurry to return to the balcony. But आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई bargaining नहीं की, जो उनको लेना था सीधा लिया और पैसे देके वो वापस balcony में आ जाती है. All right, she asked, looking down at her husband sunk into a heap of his chair, shaking with the effort to suck in air. तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है क्या अब ठीक है, बिकॉज वो अभी भी परेशान होते हैं मिस्टर बासु, और वो अपनी चेयर में शेक कर रहे होते हैं, अभी भी काँप रहे होते हैं और एफर्ट कर रहे होते हैं ब्रीथ करने का. हिज लिप्स टाइटेंड एंड वाइटेंड इन साइलेंट रिप्लाई, तो उनके जो लिप्स हैं वो बंद होते हैं और वाइट होते हैं बिकॉज ही इज अफ्रेड. शी साइड एंड वेंट अवे टू सॉर्ट आउट स्पाइसेस इन द किचन. तो ऐसा पूछ के वो वापस अपने किचन में चली जाती है और वहाँ पे उनको क्या करना होता है, जो टू पोर देम आउट ऑफ लार्ज कंटेनर्स इन टू स्मॉल कंटेनर्स, टू फिल दोज दैट वर एम्प्टी एंड एम्प्टी दोज दैट वर फुल, giving everything that came her way a little loving polish with the end of her sari, for it was something she loved to do. But she did not stay very long. तो वो किचन में क्या करती थी, जो मसाले होते थे उनको कंटेनर्स के अंदर डालना, जो खाली कंटेनर से उनके अंदर और मसाले भरना, और जो कि कंटेनर्स जो गंदे हो रखे उनको अपनी साड़ी से पूछ देती थी वो. बट आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है किचन में भी. शी वॉज वरीड अबाउट हर हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड के बारे में चिंतित थी. फुलिश एंड अनरीजनेबल एज ही सीम टू हर इन हिज सिकनेस, शी कुड नॉट क्वाइट लीव हिम टू हिज एग्नी, वेदर रियल और इमेजिन. देखो नाउ शी इज सेइंग कि जो उनके हस्बैंड है उनकी जो एग्नी है, जो उनका पेन है, जो मुसीबत जिसको झेल रहे हैं, when the postman brought them a letter from their son in Bhilai, she read out to him the boy's report on his work in the steel mills. तो उनके जो उनका जो बेटा है वो छत्तीसगढ़ भिलाई में काम करता है इन स्टील मिल, तो उनका लेटर उनको पढ़ के सुनाती है. The father said nothing but seemed calmer and she was able after that to make him eat a little rice. तो उसके बाद उनको थोड़ा शांत हो जाते हैं अपने बेटे की न्यूज़ सुन के, और उनको वो थोड़ा खाना खिलाने में भी कामयाब हो जाती है.
सो मेड हिम ईट अ लिटिल राइस एंड फिश झोल वेरी लाइटली प्रिपेयर्ड जस्ट एज ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब. तो उनके लिए खाना भी वो बहुत ही लाइट प्रिपेयर करती थी, बहुत ही सिंपल. लाई डाउन नाउ शी सेड सकिंग एट अ फिश बोन एज शी रिमूव द डिशेज फ्रॉम द टेबल. इट्स टू हॉट आउट ऑन द बैल्कनी, टेक सम रेस्ट. अब वो उनको रेस्ट करने के लिए कहती है, शी आस्क्स हिम टू लेटने के लिए बोलती है. और मतलब वो डिशेज खाते अपना खाना खाते खाते ऐसा बोल रही होती है उनको, शी आस्किंग हिम टू टेक रेस्ट बिकॉज उन्होंने उनको खाना भी खिला दिया है उसके बाद. अब ये वाली वीडियो में हम यही तक करते हैं. आई विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.